का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज हम आपको एक वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं जो स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए रहेगा, जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं उनको एडिट करना चाहते हैं या उनके पास लो पीसी या मतलब किसी भी टाइप में आप लाइट सिंपल एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आज मैं ये जो सॉफ्टवेयर है लेके आया हूँ ये बिल्कुल ही फ्री रहेगा। ये आप किसी भी स्लो पीसी में आप इसको चला सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और इसको यूज़ कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें तो उस पर सर्च करें वीडियो पैड डाउनलोड। तो यहाँ देखिए सबसे पहले NCS सॉफ्टवेयर की जो साइट है वो आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज। तो यहाँ आप देखेंगे कि सिर्फ 5 MB का जो ये सॉफ्टवेयर है बिल्कुल ही छोटा है और बहुत ही लाइट है, ये आपके पीसी को बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा। तो ये यहाँ डाउनलोड हो चुका है, तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यस करेंगे, नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो अनलाइसेंस लिखा आ रहा है, यानी जो ये सॉफ्टवेयर है अभी हमारा जेन्युइन नहीं हुआ है, इस पे जब हम एडिटिंग करेंगे तो हमारा वाटरमार्क आएगा। अब इसको कैसे हटाएं, अब इसको रजिस्टर कैसे करें, हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ कीज हैं 3, अब इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ आप देखेंगे कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर आ गया है। ये जो की है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके इसको सेव करके रख लें, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कुछ दिनों बाद ये की मांगता रहता है। जब भी ये की मांगे आपने तीनों में से कोई भी की कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके इसको रजिस्टर कर लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना कर सकते हैं, यहाँ आपको टेम्पलेट सेंड से प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब हम आते हैं ऐड फाइल। सबसे पहले मैं आपको एक फाइल ऐड करके बताता हूँ, आप सबसे पहले ऐड फाइल पर क्लिक करें। यहाँ से आप किसी भी फाइल को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें, यहाँ पे ओपन, इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे लाएंगे, इसको यहाँ से करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। मान लो हमने इसको क्रॉप करना है तो हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको यहाँ से इसका जो टाइम है कम कर सकते हैं, जो ये लास्ट वाला पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ इफेक्ट के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट जो आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक क्रॉप, रोटेट, पोजीशन, जूम एंड नीचे आपको ग्रीन स्क्रीन, ब्लैक एंड वाइट, बॉर्डर्स, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो यहाँ आपको मिल जाते हैं। हम आपको एक सिंपली क्रॉप करके दिखा देते हैं फाइल। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको क्रॉप करेंगे, यहाँ हमारी जो वीडियो है क्रॉप हो चुकी है। अब इसको क्रॉस कर देंगे। अगर हमें इसमें कोई और इफेक्ट ऐड करना है तो फिर से यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम किसी जैसे कलर एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी जो पहले यहाँ पे फैक्टर लगाया है आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमने क्रॉप वाला इफेक्टर लगाया तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसको क्रॉस करेंगे, हमारा जो फैक्टर लग चुका है। आप यहाँ पे जो डायरेक्टली फाइल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक फाइल ऐड करके दिखाता हूँ, हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके ले जाएंगे। अब मैं इसके आगे इस फाइल को लगा देता हूँ। अब देखिए ये जो इस वीडियो है तो इसकी ऑडियो भी साथ में है। अगर आप इसकी ऑडियो को या कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑडियो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक आइकन पे इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ऑडियो या वीडियो इनमें से एक चीज़ नहीं चाहिए तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है
8 बना हुआ है जैसे अनलिंक, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो है वीडियो ऑडियो अलग अलग हो चुके हैं, अगर आपको ऑडियो नहीं चाहिए तो ऑडियो को डिलीट कर देंगे, अगर वीडियो नहीं तो वीडियो को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी फाइल है यहाँ पे ऐसे लग चुकी है। अब मैं आपको एक और फाइल ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे हम इस फाइल को ऐड करते हैं, आप इसको डायरेक्ट टाइमलाइन में भी ले सकते हैं, पर आप बीन में लेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ ले जाएंगे, हमें कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करने की नीड नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप योर वीडियो टेक्स्ट एंड इमेज क्लिप हियर टू ओवरले, यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे लेके आएंगे। अब हमने यहाँ पे इसको लगाना है तो हम इसको स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको एक इफेक्ट लगा के दिखा सकता हूँ। जैसे इसका बैकग्राउंड देखिए यहाँ ब्लू है, तो हम इस पर क्रोमा की यानी ग्रीन स्क्रीन वाला है जो फिल्टर लगा सकते हैं, ये देखिए इस पर क्लिक कर देंगे, ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर आप अगर कहीं से कलर रह गया है तो आप इन सब एडजस्टमेंट्स को कहीं देख, जैसे ये देखिए अभी लाइट हो गया, अगर आपका कहीं कलर रह गया है तो यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं और उसको इफेक्ट लग गया है। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको स्क्रीन को जो है मैक्सिमाइज करके, यहाँ से एग्जिट करेंगे। अब मान लीजिए मेरे को यही वाली वीडियो है जो स्टार्टिंग और एंड में चलानी है, तो मैं यहाँ पे मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ जो इसमें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी। अब इसको यहाँ पे लेके आएंगे, मान लो मुझे यहाँ पे चलाना है इसको, यहाँ पे भी यानी ये जो वीडियो है यहाँ पे 24 सेकंड्स के बाद जो है प्ले करें फिर से। तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक, यहाँ आपको देखेंगे पेस्ट के तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, तीन चार। अगर मैं आपको नॉर्मल जो है ऑप्शन कंट्रोल वी वाला करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऑडियो लेके दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने ऑडियो ली, तो यहाँ ये वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑडियो, ऑडियो को लेंगे हम नीचे, यहाँ पे ऑडियो का जो ट्रैक है वो अलग है। अब यहाँ पे इसको ले आएंगे, अब ऑडियो जो है बहुत बड़ी है, मुझे इसके साइज़ की करनी है, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ बीच में कट करना है तो यहाँ पे मैं स्प्लिट टूल का यूज़ करूँगा। आप देखेंगे ये अलग हो चुका है, अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको इस वॉल्यूम को इसकी वॉइस कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पर ऑडियो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे इसकी वॉइस। तो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट लेके भी दिखा देता हूँ, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऐड, यहाँ पे आप कोई ब्लैंक लेयर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ आपको टेक्स्ट के भी बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं अगर आप सिंपल लेना चाहते हैं तो। यहाँ पे अगर आपको कोई इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एक सिंपल लेके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ से आप अपना जो भी टेक्स्ट है यहाँ टाइप करें, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं बहुत सारे, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से आप फॉन्ट साइज जो है इसका बढ़ा सकते हैं। अगर मैं उस पर एंटर करता हूँ तो ये आ जाएगा। अगर मान लो ये हाई, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो है ऐड हो चुकी है लेयर ऑटोमेटिकली। अब इसको दोबारा एडिट करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो खुल के आ जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ से कलर चेंज किया, ओके। और यहाँ से अगर आप इसको शेडो लगाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, शेडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो शेडो का कलर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आउटलाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है,
यहाँ आपको पैराग्राफ सेटिंग्स मिल जाती हैं कुछ, और अब इसको करने के लिए सिर्फ नॉर्मल कंट्रोल क्रॉस पे क्लिक करेंगे कि यहाँ जो आपका है टेक्स्ट वाली लेयर ऐड हो चुकी है। अब इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैं स्टार्टिंग में लगा देता हूँ। तो ये था सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जैसे ऑप्शन आप्स को मिल जाते हैं क्लिप्स, तो यहाँ आपसे ऐड फाइल या आप जो भी ऑप्शन है यहाँ पे कर सकते हैं यूज, यहाँ पे कुछ खास है नहीं। यहाँ भी आपको जो है इफेक्ट्स मिल जाते हैं सेम वैसे ही, यहाँ से आप सबटाइटल जो नीचे चलते हैं वीडियो के वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसका टाइमलाइन सेट करेंगे, आप टाइप करते जाएंगे यहाँ से नॉर्मली ऐड करते जाएंगे, यहाँ आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन, क्रॉप, जूम, यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स वही जो आप वहीं पे नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ आपको मिल जाते हैं ट्रांजेक्शन्स, मैं आपको एक ट्रांजेक्शन यूज़ करके दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया, ट्रांजेक्शन्स पे गए, यहाँ बहुत सारे हैं। अब मैं नॉर्मल ये ले लेता हूँ डिसॉल्व वाला, यहाँ पे यस मूव द क्लिप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है लग जाएगा ट्रांजेक्शन। यहाँ आपने जो देखा ये ट्रांजेक्शन था, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मेन जो हमारा ऑप्शन है एक्सपोर्ट। अब यहाँ आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको वीडियो फाइल पे जो है क्लिक करना है, यहाँ आपको आपकी जो भी फाइल है उसको आपको एक नेम दे देना है, यहाँ आपको उसकी जो है लोकेशन सेट कर लेनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ, सेव। अब यहाँ आप जो प्रीसेट्स मिल जाते हैं आपको, यहाँ अब आपको नॉर्मल अगर आप यूट्यूब के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब 1080p HD जो है क्लिक कर सकते हैं, या आपको जो भी चाहिए। जो मैं करता हूँ अपनी वीडियो नॉर्मल एक्सपोर्ट, मैं यहाँ पे जाके इसको MP4 फॉर्मेट की जगह जो यहाँ है WMV कर देता हूँ, क्योंकि ये जो फाइल को है कंप्रेस कर देता है, यानी उसका जो फाइल साइज़ है बहुत ही कम कर देता है जो MP4 के वो अकॉर्डिंग टू रहता है। उसके बाद आप यहाँ आपको रेजोल्यूशन है यही 920p एंड 1080p वाला जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मैं भी यही रखता हूँ। अगर आपको HD में चाहिए तो क्लियर चाहिए, मतलब एकदम कोई सी आपको एल्बम टाइप में चाहते हैं तो यहाँ आप MP4 जाके सिलेक्ट करें, तो नॉर्मल आप यहाँ से यूट्यूब HD कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं वो है WMV यानी विंडो मीडिया एनकोडिंग जो है इसमें करता हूँ। अब उसके बाद आप नॉर्मली जो ये सेटिंग्स है आप इसको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ आप देखिए वीडियो का जो साइज़ है सिर्फ 14.23 MB है। अगर मैं इसको MP4 में कर देता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे 35 हो गया। बड़ी फाइल होगी तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई है, और नॉर्मल आप डेस्कटॉप पे वीडियो को देख सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, सॉफ्टवेयर आपको बड़ा यूज़फुल लगा होगा, इसमें आप किसी भी टाइप की एडिटिंग है नॉर्मल हाई सब कर सकते हैं। आप यूट्यूब के लिए मैं स्पेशल बताया क्योंकि कई यूट्यूबर्स होते हैं जिनको नहीं चलाना आता अभी स्टार्टिंग में, या वो नॉर्मली अभी बिगिनर्स होते हैं। इसकी जो की है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो इस सॉफ्टवेयर की है आप ज़रूर वहाँ से कॉपी करके रख लें एक फाइल में। सो आई होप मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस।